अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे दाल चावल, जिसके लिए बासमती चावल आधा किलो हमने लिए हैं। आधा किलो दाल हमने लेके इसको भिगो दिया है अच्छी तरह से साफ करके। एक कटोरी इमली हमने ली है। एक छोटे साइज की प्याज लेके इसको हमने बारीक बारीक काट लिया है। एक चम्मच हल्दी हमने ली है। हल्दी आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा लहसुन हमने लिया है, इसको हम दाल में डालेंगे, ये बघार के लिए नहीं है। 2 चम्मच नमक हमने लिया है। 2 चम्मच घर की सूखी हुई लाल पिसी हुई मिर्चें हमने ली हैं। आए अब हम इसे पकाना शुरू करते हैं। पानी हमारा बॉईल होने लगा है। अभी हमने इसमें 8 गिलास पानी डाल के इसको हमने बॉईल होने रख दिया था, ताकि हम जब पकते हुए पानी में दाल डालें तो अगर नहीं भी गलने वाली दाल है तो भी गल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको फौरन मिल जाएगी। ये देखिए, दाल ने हमारी पकना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमने इसे खौले हुए पानी में डाला था। अब हम इसके अंदर हल्दी डालेंगे, लहसुन डालेंगे, मिर्चे डालेंगे, घर की पिसी हुई सूखी हुई मिर्चे जो हमने 2 चम्मच ली थी वो डालेंगे। अब हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। इमली अभी हमने इसके अंदर नहीं डाली है। इमली हम जब डालेंगे, जब हमारी दाल बहुत अच्छी तरह से गल चुकी होगी, जब हम इसमें इमली डालेंगे। ये देखिए, दाल ने हमारी पकना शुरू कर दिया है। हम इसे तेज ही चूल्हे पे कम से कम 2 घंटे पकाएंगे। उसके बाद हम इसका चूल्हा स्लो कर देंगे और इसे आधा 1 घंटा फिर से पकाएंगे, क्योंकि दाल हम बहुत ज़्यादा गला के अच्छी तरह से फिर खाते हैं। जबकि सब्जी अगर आधी कच्ची आधी पक्की खाई जाए तो वो बहुत ज़्यादा फायदा देती है, लेकिन दाल पूरी गला के फिर ही खाते हैं। दाल को हमारी पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। पकाएंगे तो हम इसे 2 से 3 घंटे, लेकिन आपको वक्त वक्त से दिखाते रहेंगे कि ये गली या नहीं। अगर ये जल्दी गल जाती है तो हम इसे जल्दी भी तैयार कर सकते हैं, वरना तो बिल्कुल अच्छी तरह से गला के फिर ही हम इसे बघार लगाएंगे। दाल को हमारी पकते हुए 1/2 घंटा हो चुका है, लेकिन ये अभी बिल्कुल नहीं गली है। अब हम इसे 1 घंटे बाद देखेंगे। अच्छी तरह से इसका ढक्कन ढक देंगे। दाल को हमारी पकते हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसके अंदर बाकी डालने वाली चीज़ें शामिल करेंगे। तड़के की चीज़ें हम आपको अभी दिखा देते हैं। 1 कटोरी इमली का पानी जो हमने ली थी उसका पानी बना लिया है। 2 चम्मच नमक, 5 से 6 लहसुन बारीक कटे हुए, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है, और 7 मिर्चें हमने ली हैं। 2 चमचे ज़ीरा हमने लिया है, चाय के 2 चमचे। अब हम अपनी दाल को तैयार करेंगे पानी डाल के। दाल हमारी गल चुकी है अच्छी तरह से, पानी इसका खुशक हो चुका है। इसी तरीके से हम अपनी दाल को थोड़ा थोड़ा सा घोटेंगे और घोट घोट के पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे तरीके से दाल हमारी गल चुकी है। अब बस इसको चमचा चला के थोड़ा सा घोटना है और पानी डालना है। पानी हम इसमें दाल में हमने नमक शामिल नहीं किया था, लेकिन अब क्योंकि ये अच्छी तरीके से गल चुकी है तो अब हम इसके अंदर नमक शामिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर इमली भी डाल देंगे। 1 कटोरी इमली ली है हमने, कटारे इसके अलग कर लिए थे। अब 1 गिलास पानी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। सिर्फ 1 गिलास पानी शामिल किया है हमने इसमें। अपनी दाल को चला के देखते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी है तो फिर हम इसको और पानी डाल देंगे। दाल अभी हमारी बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, इसलिए हम इसके अंदर 1/2 गिलास पानी और शामिल कर देंगे।
अब हम इसे तेज चूल्हे पे पकाएंगे 5 मिनट तक। 5 मिनट तक इसी तरीके से पकाएंगे दाल को, और उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। 2 चम्मच घी लेके हमने इसको गरम रख पे रख दिया है। ये थोड़ा सा गरम होगा, फिर हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे। लहसुन ने अभी पकना शुरू नहीं किया है, लहसुन ने पकना शुरू कर दिया है लेकिन अभी ये ब्राउन नहीं हुआ है। लहसुन हमारा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, अब हम इसके अंदर जीरा शामिल करेंगे। जीरा होने के बाद हम इसमें अपनी मिर्चें डालेंगे। अब हमने इसके अंदर कड़ी पत्ता भी शामिल कर दिया है। बघारा हमारा हो चुका है, अब हम इसको दाल में डालेंगे। खुशबू तो इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। अब हम इसको दाल में डाल के देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए दाल हमारी कितनी अच्छी, कितनी खुशनुमा लग रही है। खुशबू इसकी बहुत अच्छी आ रही है और जायके में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब हमने अपने चावलों की तरफ आते हैं। चावलों को हमने 5 मिनट पहले भिगो दिया था, अब हम इसको बॉईल करने के लिए चूल्हे पर रख चुके हैं। चावल हमारा पकने शुरू हो गए हैं, अब हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। पानी हमने अपने चावलों में 2 गिलास डाला है, चावल भी हमारे 2 प्याले थे। इसी तरह से चम्मच भी हमने 2 ही लिए हैं नमक के। आप जितने प्याले चावल लें नमक भी उतना ही लेना चाहिए, उससे नमक न ज़्यादा होता है न कम होता है, ठीक रहता है। ये देखिए चावलों ने हमारे पकना शुरू कर दिया है। चावलों ने पकना शुरू कर दिया है, 10 मिनट में ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे दम लग के। पानी जब इसका कम हो जाएगा तब हम इसे दम पे रखेंगे। थोड़ा कम होने के बाद पानी दम पे रखते हैं तो अच्छी तरह से दम भी लग जाते हैं, अलग अलग भी रहते हैं। वैसे तो चावल अगर चिपक भी जाएँ तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा गले हुए होते हैं जायका भी उन्हीं में होता है। चावल हमारे बिल्कुल अच्छी तरह अलग अलग उबले, इसीलिए हम इसके अंदर 2 चम्मच घी शामिल करेंगे। सिर्फ 2 चम्मच शामिल करेंगे हम, क्योंकि ये 2 प्याले चावल। पानी चावलों का खुशक हो चुका है, अब हम इसे दम पे रखाएंगे हल्के चूल्हे पे, और इसका ढक्कन ढक देंगे कम से कम 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद आके हम अपने चावलों को चेक करेंगे, गल गए तो ठीक है, नहीं तो और गलाएंगे। चावल अभी हमारे नहीं हुए हैं, लेकिन हम अभी इसमें चम्मच चला के देख रहे हैं, ताकि 5 मिनट और लगेंगे तो फिर ये चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। अब हम इसे फिर से ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट तक के लिए। चावल हमारे हो चुके हैं, अब हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे। देखिए चावलों की खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है और जायकेदार भी हैं ये। जायके का तो इनके खुशबू से ही पता चल रहा है, लेकिन ये अलग अलग भी हैं। ये देखिए तैयार हैं हमारे दाल और चावल, कितने अच्छे पक्के हैं ये। बहुत इजी है इनको पकाना, इन्हें वो लोग भी पका सकते हैं जिन्हें नहीं आता है खाना पकाना, बहुत ज़्यादा आसानी से पक जाते हैं। इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।